वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सुझाव दीजिए। मुफाद अजीज नहीं है उनको, ये उन्होंने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत 6 बड़े उन्होंने लगाने थे, जो कॉरिडोर्स बनाए उसमें से एक कॉरिडोर पाकिस्तान के पास आ गया। उसकी वजह ये थी कि जो उनका सिंकियांग प्रोविंस है वो बिल्कुल आइसोलेटेड है पूरे चाइना से, और उसको वो कनेक्ट करना चाह रहे थे अरेबियन सी से और इस तरह। सो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी पाकिस्तान में। मैं कल रात भी देख रहा था कि पाकिस्तान में वो जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट आई है, कोई 30-34 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में थी, क्योंकि आपको पता है आज से 8 साल पहले पाकिस्तान में जो बिजली के हालात थे वो आपको पता है, यहाँ पे तो 10-10, 12-12 घंटे बिजली जाती थी कैपिटल में। गाँव तो हमारे, मुझे याद है मैं जब गाँव जाता था तो दिल करता था या अल्लाह बस एक रात ही जाएं, दो रात जाएं, क्योंकि वहां पे ना एसी चल रहा है ना कुछ चल रहा है, और हम भागम भाग वापस आ जाते थे। तो अभी हम गांव जाते हैं बिजली होती है, इधर भी बिजली होती है। द रीजन बिहाइंड इज के वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लग गए थैंक्स टू चाइनीज। उन्होंने हमारे लिए नहीं किया, उन्होंने अपने लिए किया ये, क्योंकि उनको पता है कि वो हमें कुछ देंगे तो हम उनकी मदद करेंगे ना इन सारे प्रोजेक्ट में। इसके अलावा उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ताकि वो जो अपनी एक्सपोर्ट है वो कर सकें। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें भी इस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाना है, और वो हम कर सकते हैं अगर हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन्स होंगे, इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, और उसमें हम फैक्ट्रियां लगाएंगे जो एक्सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज तो फिर जिस तरह हमारे हमें ब्लेम किया जाता है जी कि पाकिस्तान के पास जो है ये जो सीपैक है, हम तो पंक्चर ही लगाएंगे उनके, अगर हमने इंडस्ट्री ना लगाई अपनी या इकोनॉमिक जोन ना लगाए तो फिर तो चीनियों की प्रोडक्ट्स गुजरेंगी उनकी यहाँ से, गाड़ियां गुजरेंगी और हम उनको चाय पिला रहे होंगे, और जारी बात है चीनी कौन सा हमारे वाले चाय पीते हैं, उन्होंने भी खाना अपना चौमोन और जो भी रखा होता है बीच में रखा होना होता है। आज के मॉडर्न ट्रक्स हैं, बीच में एयर कंडीशन भी लगे हैं, फ्रिज भी पड़ा हुआ है, एक तरफ से लेके जाओ 2 दिन में पाकिस्तान क्रॉस हो जाता है, वो अपनी चाइनीज फूड खाएंगे, उन्होंने वो कहाँ से खाना है। सो जो आसम सलीम बाजवा बात कर रहे हैं वो बेसिकली जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि हम जो है वो इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाना चाह रहे हैं, तो 1000 एकड़ पे वो बात हो रही थी, और उसके अलावा वो कह रहे हैं हम 3600 एकड़ पे बनाना चाह रहे हैं। अगर आपको याद हो पाकिस्तान में लाहौर में जब मुशर्रफ दौर था तो परवेज लाई ने यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया था, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट। इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स इंडिया में होंगी, बांग्लादेश में होंगी। होता यह है कि ये करते ही हैं कि 1000 एकड़ जमीन ली, उसमें फैक्ट्री वालों को, कारोबारी लोगों को कहा इसके अंदर आ जाओ, उनको गैस भी मिलेगी, बिजली भी मिलेगी, उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट भी मिलेगा, उनको टैक्सेस भी उनके ऊपर कम होंगे, उनकी एक्सपोर्ट के वाले से भी चीजें मदद की जाएगी। सो बेसिकली छोटे छोटे पार्क बना के तो इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट करना है। प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका गए, उन्होंने कहा जी आए सीपैक में इन्वेस्ट करें, वो क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं हम जो चाह रहे हैं, वो क्यों पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाएंगे, हम कोई इंसेंटिव देंगे तो किसी को लगाएंगे ना। सो ओवरऑल ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत फायदेमंद है। जब मगरब यहां से जा रहा था, अमरीका ने पाकिस्तान की बड़ी सरजमीन इस्तेमाल की, उनको जो सप्लाई लाइन्स हम देते थे जो कराची से लेके अफगानिस्तान जाती थी, हम तो उनसे रोड भी नहीं बनवा सके कि भाई आपने हमारे रोड तोड़ दिए हैं, आप हमें मोटरवे बना दें, कोई 2-3 अच्छे अच्छे रोड्स बना दें, हमने वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं उनसे लिया, और सिर्फ हमने जो है वो टोल टैक्स के ऊपर उनकी सारी ट्रांसपोर्ट चला दी, तो वो भी बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ। चाइनीज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका फायदा तब है अगर पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने वहां पे इंडस्ट्री लगा के इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा लिया। अगर इंडस्ट्री ना लगी, एक्सपोर्ट ना लगी, तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन चीमा साहब, जैसे आपने कहा कि चाइना का अपना फायदा है तभी यहाँ लगा है, तो वो तो खैर कोई खास बात नहीं है, कोई भी अगर इतना पैसा लगाएगा तो जाहिर उसका अपना कोई फायदा हो रहा होगा तभी वो लगाएगा ना, वरना कोई किसी भी कंट्री से, पाकिस्तान की बात नहीं, किसी भी जगह कोई अगर कोई जाएगी, कोई कंपनी जाएगी, कोई कंट्री जाएगी, तो वो अपना फायदा सबसे पहले देखेंगे, हमारा बाद में। लेकिन आप समझते हैं कि सिर्फ चाइना के ऊपर रहकर हमें जो है बाकी सारी दुनिया के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए, और पाकिस्तान को कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए कि और जगह से भी लोग आएं, और कंट्री से, यूरोप से भी लोग आएं, अमेरिका से भी आएं। आप इंडिया को देखें, इंडिया में कितनी कंपनीज आ चुकी हैं,
यानी आपको YouTube जो जिस पे हम लोग बात कर रहे होते हैं, जिस पे हम वीडियोस लगा रहे होते हैं, उनका ऑफिस आपको वहाँ इंडिया में मिल जाएगा, दिल्ली में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अभी तक अपना, जबकि पाकिस्तान में बहुत लोग YouTube इस्तेमाल कर रहे हैं और YouTube पे काम कर रहे हैं, उन्होंने नहीं शुरू किया YouTube वालों ने। और उसमें कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि हमारी अपनी ही नालायकी है, हमारी अपनी ही कोई कमजोरी है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि यहाँ से बिजनेस भी मिल रहा है और बेताशा मिल रहा है। आप अगर टीवी चैनल्स जो हमारे यहाँ आते हैं, जो भी मतलब सैटेलाइट चैनल्स आते हैं, उनको अगर देखें तो उनमें से अगर 90 नहीं तो 80 या 70% एंकर्स जो हैं, उन सबके यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं, चाहे वो सलीम साफी हो, चाहे वो रऊफ कलासरा हो, चाहे वो किसी का भी आप नाम लें और उनके चैनल्स मौजूद हैं। तो इतना बिजनेस पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे ऑफिस बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझते हैं कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमजोरी आ रही है। देखिए, मैं इसमें ये समझता हूं कि YouTube, Facebook, Twitter वो क्यों पाकिस्तान आएंगे, उनको बिजनेस से गर्ज होता है जी। मिसाल के तौर पे आप देखिए, पेपॉल है, पेपॉल अब पाकिस्तान नहीं आता, वो कहता है भाई आपकी मार्केट ही बहुत छोटी है। अच्छा, नेचुरल चीज है। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, और वो ये है कि गवर्नमेंट जो होती है उसको लोग गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा तब डालते हैं, हुकूमत को पैसा तब देते हैं, टैक्स तब देते हैं, जब ट्रस्ट होता है कि भाई ये पैसा हमारे ऊपर ही लगेगा, ये हेल्थ पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी एजुकेशन पे, हमारी स्विक सेंस पे, हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये पैसा लगेगा, तो हम आपको पैसा देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो कर रही है। अभी आप देखें पाकिस्तान में, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि जितने लोग भी देते हैं क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जो टोटल आपकी पॉपुलेशन का 1% लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो आपके लोग बैंक्स में अकाउंट नहीं खुलवाते, वो कहते हैं यार हमने अकाउंट खुला के क्या करना है, वो तो वो हमारे पैसे रख लेते हैं और हम पकड़े जाएंगे, हमें हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो पूछेगा ये पैसे कहाँ से आए हैं, हम क्यों बताएं, हमें क्या जरूरत है, हम कैश इन हैंड ही चलाएं। तो गाइज़, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के फेमस, जो इंडिया में काफ़ी फेमस हैं, मतलब जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, कमर चीमा और आरजू काजमी, वो डिस्कस कर रहे थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। और कमर चीमा ने इनडायरेक्टली बोल दिया कि भैया पाकिस्तान के लोग केवल लगता है सीपैक में पंचर ही बनाएंगे। गाइज, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट चाइना कर रहा है, और अभी तक पाकिस्तान के लोगों को अच्छे से पता भी नहीं है कि सीपैक है क्या, सीपैक से पाकिस्तान को मिलेगा क्या, सीपैक से पाकिस्तान में किस तरीके की इन्वेस्टमेंट आएगी, सीपैक से इन फ्यूचर होगा क्या। आप समझ रहे हो दोस्तों, पाकिस्तान की ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं है सीपैक है क्या। तो अब आने वाले समय में पता नहीं होगा क्या। आपको पता होगा दोस्तों, चाइना ने ईरान के साथ भी सीपैक से बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सीपैक का जो रूट है वो इंडिया के कश्मीर, मतलब पीओके से होकर गुजरता है, और चाइना को पता है कि इन फ्यूचर शायद कोई ना कोई दिक्कत हो जाए। और चाइना पाकिस्तान से नाराज़ भी है, क्योंकि चाइना एक फ़ोन कॉल पर अपनी डिप्लोमेसी चेंज कर देता है। अभी बात हो रही है कि चाइना को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान एयरबेस दे सकता है, और बेसिस देगा तो डेफिनेटली अमेरिका वर्सेस चाइना दुनिया में इस समय चल रहा है, और फिर पाकिस्तान के साथ चाइना सीपैक कंटिन्यू कैसे कर सकेगा। लेकिन सीपैक एक लोन है, सीपैक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो क्लियर होगा आपको। तो चाइना ने ऐसा ही कुछ इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में किया था जो लोन के रूप में था, बाद में श्रीलंका फेल हुआ वो इन्वेस्टमेंट को, लोन को चुकाने में, और उसके बाद हुआ ऐसा कि श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट था उसे 99 ईयर्स के लिए लीज पर रख लिया चीन ने। अब चीन ने इसका पहले से ही एक अल्टरनेटिव ऑप्शन तैयार किया हुआ है। उन्होंने ईरान के साथ जो बड़ा प्रोजेक्ट किया है वो सीधा अफगानिस्तान के थ्रू ईरान जाएंगे, जिससे उनको होगा फ़ायदा, उनको सीधा सीधा रास्ता मिल जाएगा जो सीपैक से मिलना था, ना उन्हें कोई टेंशन है ना कुछ है। ईरान से उन्हें ऑयल भी मिल सकता है जो कि वो सऊदी अरेबिया या अरब कंट्री से लेने वाले थे। तो ये चाइना ने डबल गेम खेल लिया है, और इससे चाइना को ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो अब देखते हैं आने वाले समय में सिचुएशन क्या बनती है। हालांकि आप समझ रहे हो सीपैक कितने साल से है, सीपैक को लेकर पाकिस्तानियों की उम्मीद ऐसी है कि सीपैक अगर बन जाएगा तो पाकिस्तान की इकनॉमी दुनिया की टॉप इकनॉमी में से एक हो जाएगी, पाकिस्तान में दूध की नदियाँ बहने लगेंगी, पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है दुनिया का सबसे बिजी पोर्ट बन जाएगा। इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान के लोग सोचते हैं। हालांकि इन्हें यह भी नहीं पता कि सीपैक किस तरीके का इन्वेस्टमेंट है। तो गाइज अब देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है। तो अभी कमर चीमा बात कर रहे हैं कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बस चाइनीज़ गाड़ी निकलेंगी, माल ले जाएंगी, उनको चाय पानी पिलाएंगे, वो भी शायद हमारी वाली चाय ना पिएं, वो भी चाय खुद रख कर आएँ, और पंचर ही बना सकते हैं पाकिस्तानी। तो मैं कमर चीमा को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि आजकल इतने एडवांस टायर आ रहे हैं कि उनमें पंचर होने का प्रॉब्लम ही नहीं है, ट्यूबलेस टायर हैं, तो शायद वो भी प्रॉब्लम ना आए। और बड़ा बड़ा जो ऑयल है वो शायद चाइना ट्रेन लाइन भी बिछाएगा तो उससे ले जाएगा, तो ट्रेन तो पंचर हो नहीं सकती है। तो अब पाकिस्तान को समझना होगा कि उसे करना क्या है। हालांकि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, एक तो चाइना अब जो कुछ करेगा जैसा भी है पाकिस्तान को सहना पड़ेगा, पाकिस्तान के पास कोई ना इन्वेस्टमेंट है ना कुछ है, एक ले दे के सीपैक है, तो सीपैक को भी इनको पाकिस्तानियों को भी समझ में नहीं आ रहा है, वो तो ये सोच रहे हैं अरे जो आ रहा भाई करो तो करो, बस इतना सोचते हैं पाकिस्तानी। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में सिचुएशन क्या बनती है। हालांकि आपको भी पता अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच कुछ पॉजिटिव टॉक्स हुई थी, वो भी अभी कोरोना की वजह से, वो भी अभी बैकडोर में ही चल रही हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में सिचुएशन क्या बनती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं। मुझे पता है वैक्सीन के लिए काफ़ी लंबी लाइन और बुकिंग चल रही है जिससे आपको शायद नंबर ना मिले, तो दोस्तों वेट करें, 10 दिन बाद का वेट करें। अगर आपके मम्मी पापा को नहीं लगी है तो प्लीज़ उन्हें भी लगवाएं, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वायरस के अगर इन्फेक्शन से आपको फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होता है वो वैक्सीन से बच सकते हो, भले पॉजिटिव हो जाओ लेकिन आपकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। आपको भी पता है 3 से 3,500 लोग पर डे मर रहे हैं, तो डेफिनेटली आस पड़ोस में आपके कोई ना कोई कभी ना कभी मरा होगा। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।